नमस्कार भाई दोस्तों, बार बार बताया जा रहा है कि क्या चल रहा है देश के अंदर। बोल रहे हैं कि 15 जून से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं होगी, 20 तक भी नहीं होगी, 22 तक भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी क्लियर कट चेतावनी दे दी है कि मैं जा रहा हूँ इंडिया गठबंधन के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मंत्री पद बांटे हैं, टोटल का एक मंत्री पद दे दिया, दो मंत्री पद दे दिए चंद्रबाबू नायडू, अब जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। क्यों जाएंगे? या तो उनको लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। लोकसभा स्पीकर के पद की अहमियत क्या होती है यह आपको बार बार बता दिया गया है। अगर नहीं याद तो 1999 में चले जाओ, बीजेपी को भी पता है अगर टीडीपी को लोकसभा का स्पीकर पद दिया गया तो तुम्हारी सरकार पक्का गिरेगी, 100 दिन के अंदर गिरेगी। क्यों गिरेगी? आपको याद हो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब टीडीपी का ही लोकसभा का स्पीकर था और एक वोट से सरकार गिरा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, वो जख्म आज तक है बीजेपी को। बीजेपी को पता अगर लोकसभा का स्पीकर पद दूसरे को दे दिया गया ना, जैसे अभी पीछे एक साल पहले हुआ था, आपको याद हो पिछले साल ही तो ये घटना हुई है, जब 100 सांसदों को निलंबित कर दिया था। वो लोकसभा के स्पीकर के अंदर पावर होती है, अगर वो वहां से बीजेपी वालों को निलंबित कर देगा तो कार्रवाई कैसे चलेगी सोच के देखो, कैसे कार्रवाई चलेगी। तो अगर इनको पता अगर टीडीपी को लोकसभा का स्पीकर पद दे दिया तो तुम फंस गए। आज चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम की पद की शपथ लेंगे, लेकिन कल रात को ही अमित शाह, जेपी नड्डा सब पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू के पास कि भाई तू मान जा, तू ये कौन सी बयानबाजी कर रहा है। हम इन बातों को भी मान लेते, ठीक है बयानबाजी, राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन झटका आंध्र प्रदेश के अंदर भी दिखा दिया चंद्रबाबू नायडू ने। ऐसा झटका दिखा दिया कि अब बीजेपी को समझ में आ गया तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि बीजेपी जो खेल खेलना चाह रही थी कि ठीक है इनके मंत्रियों को तोड़ लेंगे और कुछ कर लेंगे, इनके सांसदों को तोड़ लेंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ना बड़ा ही अजीबोगरीब खेल कर दिया। 18 सीटें हैं ना चंद्रबाबू नायडू के पास, 18 सांसद हैं, 18 के 18 को अपनी कैबिनेट में जगह दे दी, 18 के 18 को नहीं। अब सुनो जो आंध्र प्रदेश के अंदर चल रहा है, क्यों आधी रात गृह मंत्री के पास इतना समय होता है कि रात को ही भाग के चले आ जाए किसी के शपथ ग्रहण समारोह में? और वैसे भी अमित शाह तो जाते ही नहीं, अमित शाह तो कभी नहीं जाते, वो तो चाणक्य है, रणनीति बनाते रहते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास भी एक पैच अटका हुआ है, उसको अलग से राजधानी भी बनानी है, वो राजधानी बनाने पड़ा हुआ है, और स्पेशल आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा भी चाहिए। वो अब अपनी सारी मांगे मनवाएगा, पहुंचे हुए हैं मोदी साहब भी पहुंच गए हैं मोदी साहब, लेकिन सुबह आए हैं गृह मंत्री, रात को ही भाग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, रात को भाग रहे हैं, ऐसा आज तक आपने कभी देखा है? नहीं देखा ना। उस मजबूरी का नाम क्या है सुनो, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कैबिनेट में अपने सभी मंत्रियों को जगह दी है। उसको पता था अगर नहीं जगह दी तो कोई से को लेकर उठ जाएगा, फुर्रुदे ही चाणक्य लेकर उठेगा। नायडू के मंत्रिमंडल में टीडीपी को 19 मंत्री, और सीटें कितनी उसके पास 18 है ना, 19 मां खुद हो गया 19 मंत्री, जनसेना को 3 मंत्री और बीजेपी को 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। नायडू कैबिनेट में टीडीपी महासचिव और नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा टीडीपी के कोटे से अच्चन नायडू, एन चिन्ना राजप्पा, अयान पात्रडू, जी श्रीनिवासन राव, प्रीतला सुनील, कोल्लू रविंद्रा, प्रतिपाटी पुल्ला राव, कला वेंकटम राव किमिडी, वाई रामाकृष्णन, बी रामौजनेशलु, सत्यनारायण के श्रीनिवासनलु, एन आनंद बाबू और बी अखिल प्रिया रेड्डी को मंत्री बनाया जा सकता है। सिर्फ 2 को जगह दी। अब आते हैं असली बात के ऊपर। फिर रात को, आधी रात को पहुंचते हैं अमित शाह, भाई चंद्रबाबू नायडू को मनाते हैं, कौन सी चेतावनी देने लगे, क्या करने लगा, कौन सा खेल कर रहा चंद्रबाबू नायडू। आधी रात को पहुंचे, अगर गृह मंत्री आ रहे हैं देश के, वो तो मंत्रालय तो बट गए, देश का गृह मंत्री आया है तो क्या मुख्यमंत्री नहीं जाएगा उसको रिसीव करने के लिए? जाएगा ना, लेकिन नहीं गया चंद्रबाबू नायडू, खुद नहीं गया, नारा लोकेश को भेज दिया, नारा लोकेश अपने लड़के को भेज दिया, ठीक है गृह मंत्री आ रहा है उसको लेके आ जा। ये वही नारा लोकेश है जब जैसे ही शपथ ली थी ना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, तभी नारा लोकेश को आगे कर दिया था चंद्रबाबू नायडू ने। नारा लोकेश ने बोला था कि मुसलमानों को आरक्षण हम नहीं कटने देंगे, जो यूसीसी लेके आ रहे हैं यूनिट सिविल कोड, वो उसको हम नहीं लागू होने देंगे। इस नारा लोकेश का नहीं बयान था, वो नारा लोकेश को आगे कर दिया चंद्रबाबू नायडू ने, खुद हो गए साइड में। इसको कहते हैं राजनीति का खेल, राजनीति का खेल इसे कहते हैं। अब सबको पता है नड्डा साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, मेरा तो काफी 2.5-3 घंटे की मीटिंग चली थी जिसमें जो मंत्री पद बांटे जा रहे थे, उस टाइम पर इन लोगों ने मना लिया चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को मना लिया। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू क्यों नहीं मान रहे हैं उसका रीजन बताते हैं आपको। चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दे दिया किसने, 240 सीटें लेके बैठा इंडिया गठबंधन भी, उन्होंने बोला हमारा समर्थन तुम्हारे साथ है, तुम अपना कैंडिडेट खड़ा करो। 240 वहां से आएंगे, कितने आएंगे बीजेपी के, बीजेपी कितने, फिर नीतीश कुमार साथ है,
चंद्रबाबू नायडू के साथ है, और दूसरी तरफ जो शिवसेना वाले हैं, शिवसेना वाले भी 7 सीटें ले रहे हैं, उनको कोई मंत्री पद नहीं, कैबिनेट के अंदर कोई मंत्री पद नहीं, और 1 सीट वाले मांझी को कैबिनेट के अंदर मंत्रालय दिया जा रहा है, 1 सीट वाले को, और 7 सीट वाले को दिया नहीं जा रहा, जबको सबको पता है शिवसेना टीडीपी और जेडीयू के मतलब गठबंधन से ही ये सरकार बनी है, एनडीए सरकार बनी है। अगर 2 भी चले गए ना, कोई से 2 फुर हो गए तो ये सरकार धड़ाम। और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो क्यों नहीं जा रहे, उसका रीजन ये है, इनको पता कोई एक पहले बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा। अगर नायडू जाएगा तो अगले दिन नायडू के घर पर सीबी ईडी सब सीबीआई सब कुछ पहुंच जाएगा, सारा सब कुछ उसको खंगाल के मार दे, इनको डर ये। लेकिन अगर दोनों एक साथ चले गए, नायडू और नीतीश कुमार एक साथ चले गए, फिर किसके पास भेजोगे, सीबीआई ईडी किसके पास जाएगी? उन्होंने जाकर अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया फिर वो सरकार धड़ाम, इधर से अपना बहुमत पेश कर देंगे। मतलब तैयारी में बैठा है इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी जो बार बार बात करी ना, ममता बनर्जी हवा में तीर नहीं मारती, ये सबको पता है, वो जब खेल करती है तो बड़े वाला खेल करती है। और ममता बनर्जी बार बार करी, थोड़े दिन रुको, सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा, सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगा। इनको 1999 वाला जख्म याद है, बीजेपी को अगर टीडीपी का लोक स्पीकर बनाया गया तो ये टीडीपी वाले तुम्हारी पार्टी को तोड़ देंगे, तुम्हारी सरकार फिर आ नहीं पाएगी। इनको खतरा वहां पे है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी याद आता है, बार बार याद आता है। वैसे अब की बार एक चीज देखी आपने, पहली बार होया है कि मोदी साहब लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिलने गए, मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने गए, उनसे मिलने गए जिनको 10 साल में कभी पूछा ही नहीं, साइड में लगा दिया, कभी कहीं आए क्या, न्यूज में भी नहीं आया कभी उनका। लाल कृष्ण आडवाणी तो बेचारे बैठे रहे कि हो सकता राष्ट्रपति का पद ही दे देगा, राष्ट्रपति तो छोड़ो, उसको कहीं चपरासी का पद भी नहीं दिया गया बीजेपी के अंदर, जबकि बीजेपी को खड़ी करने में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। वो उधर से ठाकरे बार बार बोल रहा है टीडीपी को भी, मतलब चंद्रबाबू नायडू को भी, नीतीश कुमार को भी, बोला हम भुगत भोगी हैं, अगर इनका स्पीकर बन गया ना ये तुम्हारी पार्टी को तोड़ देंगे, भुगत भोगी हैं। पता चंद्रबाबू नायडू को भी है, ये तेरे को मुख्यमंत्री जरूर बना रहे हैं लेकिन तेरे सांसदों को तोड़ देंगे, अगर सांसद टूट गए तो तू काहे का मुख्यमंत्री, सब कुछ हवा हवाई हो जाएगा। पता नीतीश बाबू को भी है कि तू बिहार में तो है लेकिन बिहार की जनता ही जूते मारेगी। अब की बार 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 विदेशी मीडिया तक बोल रही है चाचा पलटूराम पलट जाओ, मतलब ये पहली बार होया जिसको बार बार बोलते थे पलटूराम, विदेशी मीडिया बोल रही है कि पलटूराम पलट जाओ, मौका है अभी भी मौका है। लेकिन अगर ये मौका इनको 1 महीना दे दिया ना, 1 महीने बाद एक भी सांसद नहीं मिलेगा। वैसे अभी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया अमित शाह ने, ये भी बता दिया है, जेडीयू के 5 सांसद नहीं मिल रहे, पूछ लो अमित शाह से बता देंगे कहां पे 5 सांसद। अभी टीडीपी के सांसदों को तोड़ने के लिए पहुंच गया आंध्र प्रदेश में, अगर रात को पहुंचा है ना अमित शाह, तो कोई ना कोई तो खेल करने गया है। उधर से इंडिया गठबंधन बार बार करे कहा आप आइए जो पद लेना है लीजिए, स्पीकर भी आपका होगा, सब कुछ होगा, कोई डर की बात नहीं है, खेल दोनों तरफ से चल रहा है, इस खेल का मजा जनता को आ रहा है। लेकिन इस खेल में ना ये जरूर है कि ये अब की बार जो बैसाखी सरकार लंगड़ी सरकार बनी है ना, इस सरकार का ज्यादा चलता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी ना, लग रहा है बैसाखियां टूट चुकी हैं, आवाम लटक चुकी है, सब कुछ बीजेपी आवाम लटकी हुई है। उधर से आरएसएस वाले नहीं जीने दे रहे मोदी साहब को, सोने दो भाई, कई रातें होगी, नींद लेने दो, इसलिए तो विदेश गए हैं ताकि आराम से सो सके, नींद निकाल सके, यहां तो कोई नींद निकालने नहीं देता था। चलो देखते हैं जो होगा, आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। वैसे बैसाखी सरकार जाने वाली जरूर है, ये कन्फर्म हो चुका है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।